जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों को सीट्स नहीं मिली है, फिर भी लोग जैसे तैसे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए पूछते हैं इनसे, आप लोग कहाँ से आए हैं? हेलो, हम गुजरात से हैं, गुजरात। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है? यस, इधर फर्स्ट। तो इस जगह के बारे में किसने बताया, जैसे आपको कब से मन में था या कुछ ऐसा था? हम इंडिया के सभी हिल स्टेशन घूमे, ये सिक्किम और ये दार्जिलिंग बाकी थे, तो अब घूमने आए हैं। तो कैसा लग रहा है सिक्किम आपको और हिल स्टेशन के हिसाब से? अच्छा लगा है, इधर सब डिसिप्लिन में है, इधर प्लास्टिक का यूज नहीं हो रहा है और यह सब ऑर्गेनिक हो रहा है और यह सब बहुत अच्छा है। तो आप कितने दिन हो गए आए हुए आप लोगों को? अभी हमको इधर 4 दिन हो गए। तो और कहाँ घूमे? हम इधर जाके आए, लाचून जाके आए, फिर ये इधर वो तालाब है ना ऊपर, हरभदन बाबा मंदिर जाके आए, नाथुला जाके आए, चांदोली जाके आए, बस। और ये 2 दिन से मार्केट घूम रहे हैं। अच्छा। नहीं, गैंगटॉक में एक बात की तो मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा, यहाँ का क्लिनिशियन सुपर्ब है। क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि पूरा कचरा मुक्त है और इतना प्लास्टिक जिसका बैन है और लोग पूरा फॉलो भी करते हैं उन सब चीजों। पूरा क्लिनिशिंग है यहाँ के, जो टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हम लोग पूरे 1 वीक से घूम रहे, एकदम ऑनेस्ट और पोलाइट नेचर वाले हैं, एकदम ऑनेस्ट। समय सही जगह पे सही टाइम पे ले जाते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा कि अनजान लोगों को वो बिल्कुल अच्छी तरह से। और यहाँ की ट्रैफिक सेंस जबरदस्त है, कोई बिल्कुल ट्रैफिक का उल्लंघन करता ही नहीं है, और पुलिस भी इतने स्ट्रिक्ट है कचरे के लिए, ट्रैफिक के नियमों के लिए, तो सब बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप लोग जैसा सुना था या YouTube में आजकल जो बच्चे बहुत देखते हैं, तो जैसा देखा था वैसा ही लग रहा है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। और मैं 2014 में यहाँ आई थी, अब मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ। तो पहले अकेले आए थे? हाँ, पहले मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी। अभी पूरे ग्रुप को लेकर? हाँ, अभी पूरे ग्रुप को लेकर आई हूँ। कितने लोग आए आपके ग्रुप में? हम 21 लोग है पूरे। तो अभी और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो अगर कभी किसी ने सोचा हो या सोच रहे हो कि कहाँ हिल स्टेशन जाएं? मैं पक्का उनको बोलूंगी कि एक बार तो सिक्किम जाए ही जाए। थैंक यू। अभी यहाँ कितने दिन का प्रोग्राम बना के आए हैं? 7 डेज। 7 डेज। तो 7 डेज पूरे आप लग नहीं रहा कि इस ट्रिप में अरे बोर हो गए या कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा? नहीं, एक्चुअली ट्रिप को डिवाइड किया हुआ है, 3 दिन गैंगटॉक, जिसे 2 दिन पेलिंग, 1 दिन रवांगला, तो आप इस तरीके से पूरा टूर मैनेज कर सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आसनसोल, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पहली बार आए हैं? पहली बार आए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? अभी तो निकले, अच्छा लग रहा है। तो गैंगटॉक के बारे में किसने बताया? या मेरा लड़का आता जाता 2-3 बार आया, उसने कहा कि समर वेकेशन नहीं बताई। मतलब आपको गर्मी से छुटकारा पा रहा था। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पुणे से आए हैं। यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, यस, पहली बार आए। तो गैंगटॉक के बारे में किसने बताया था? गैंगटॉक के बारे में हमने काफ़ी सुना है दोस्तों से, और काफ़ी अच्छा सिटी है और बहुत मज़ा आया हम यहाँ के। मतलब ये जो लेयर्स देख रहे हैं ना हम लोग, स्टेप्स, वो देख कर तो हम बहुत खुश हो गए।
मतलब आप सबसे हैप्पीएस्ट प्लेस पे खड़े हैं यहाँ गैंगटॉक के, और इतने टूरिस्ट है, लोकल मार्केट है, तो ये सब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब हम वही इसी के बारे में चर्चा कर रहे कि कितना बेहतरीन, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने इंटीरियर एरिया में इतना अच्छा कुछ हो सकता है। इतना खुश हो गया ना हम कि यहाँ से उठने की इच्छा नहीं हो रही, जाने की इच्छा नहीं हो रही, मतलब यहीं पे बैठे रहे, प्रकृति को निहारते रहे, क्योंकि पूरा वरदान है यहाँ पे तो प्रकृति का पूरा। हाँ हाँ, हम जिधर भी नजर घुमाते हैं वहाँ बस नेचर ही नेचर दिखता है, बस इधर देखो या उधर देखो, बस देखते रहने की इच्छा होती है, इतना बेहतरीन, बहुत मजा आया हमें। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, जैसे कि सिक्किम की हेडलाइन है दैट द सिक्किम वेयर नेचर यूनाइट्स, सो ये बहुत, मतलब जैसा बोला था वैसा पूरा मैच कर रहा है नेचर से भी, हर चीज से भी, क्योंकि ये देखिए रोड आप देखिए जैसा देख रहे हैं पूरा कचरा मुक्त है, यहाँ पे बैन है और लोग पूरा ध्यान भी रखते हैं। हाँ, तो ऐसा कहीं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब इतना क्लीन है ना कि नहीं नहीं इतना ही नहीं कि ये जो हम गाड़ियां देखते हैं चलाते हैं ना, ड्राइवर लोग भी इतना मैनेज करते ना, कोई हॉर्न नहीं, कचरा नहीं, मतलब हम सैल्यूट करते हैं। और सबसे बेहतरीन और अच्छी बात हमें ये लगी कि कोई भी चीज़ हम देते और लेते हैं ना, तो ये जो दो हाथों से जो देते हैं तो वो बहुत मजा आया, हम भी सीख गए, मतलब रिस्पेक्ट बहुत करते हैं लोगों की, बहुत प्यारा। अरे यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं, डेफिनेटली यस यस, बहुत कुछ, बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, जो पैसे देने का है उनका जो ये रिस्पेक्ट है, जो वो लोग अपने तरीके से मान देते सम्मान करते, बहुत पसंद आया मुझे सच में। सर हम कल से है यहाँ पे, परसों से, सैटरडे नाइट से है, लेकिन अभी तक इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही बहुत 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 पसंद आया मुझे। तो आप जब अब घर जाएंगे तो कैसा लगेगा, क्या फील करेंगे गैंगटॉक के बारे में, अगर गैंगटॉक बोलेंगे या कहीं सुनेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, और यहाँ पे जन्नत है, जन्नत जन्नत है, जन्नत सच में जन्नत, यानी वो जो सपना था मेरा वो यहाँ आके पूरा हो गया, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बयान कर सकते बिल्कुल नहीं। आपको कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल, कोई फैन नहीं, कोई एसी नहीं, नेचुरल एसी है, और जो भी हमारे हमारे खिड़की से जो दिखता है यूरोप में, जो जो दिखता है वो बहुत ही अच्छा है, वो पूरी मेरी आंखों में बैठ गया है, ऐसा समा गया है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। दोबारा आने का मौका मिले जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे घूमेंगे, यहीं से एमजी रोड, वो डीसी उधर का रोड, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा मार्केट देखा हमने, सब देखा सब। अभी इनके साथ ये डिस्कस कर रहे थे, मैं जर्मनी में मुनिक गया था, वहाँ पे एक मार्केट में घूम रहे थे, उनको यही कह रहा था कि मुझे वो याद आ रहा है, उससे भी बेहतरीन, इतना क्लीन, मतलब सब लोग शांति से अप अपना काम कर रहे हैं, खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से? हम ओडिशा से आए। ओडिशा से कितना जन आए आप लोग? हम 40 लोग आए। 40 लोग आए हम टाटा मोटर्स सामान लेते हैं इंडिया। यह फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इतना पीसफुल एंड प्रिंसिपल प्लेस है ये, जो कि हम इंडिया में ऐसा जगह हम देखे मतलब ही नहीं, स्वर्ग जैसा सोचते थे वैसा ही है, है। और जैसे पहाड़ जो हिल एरिया है हमारा एरिया में तो ऐसे नहीं है एक्चुअली, जो नीट एंड क्लीन हमको देखने से अच्छा लग रहा है, एक्चुअली घूमने के लिए भी अच्छा लग रहा है, और सब आज तो पहले आए हैं और कुछ देखा नहीं, कल जाएंगे घूमने के लिए, देखेंगे। कल ही आए हैं? कल ही नहीं, आज पहुँचे, आज पहुँचे, कल जाएंगे घूमने के लिए। आज भी जितना घूमे वो कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब टैक्सी एक लेके आए हैं, इतना रिस्पेक्ट दे के लाए हैं, बहुत खुश लगा एक्चुअली, बहुत अच्छा लगा, यहाँ का पूरा अच्छा लगा। क्या बोलना चाहेंगे, जैसे अगर ये मैसेज देना चाहे ऑल ओवर इंडिया में, जैसे जब सिक्किम को हम इतना अच्छा बना सकते हैं गैंगटॉक को, तो बाकी देशों को, बाकी राज्यों को भी तो हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए एक्चुअली, सिक्किम जैसा राज्य है एक्चुअली, हमारा उड़ीसा भी ऐसा होना चाहिए, उड़ीसा में ऐसा नहीं नहीं है एक्चुअली, तो अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है अच्छा लग रहा है, सिक्किम में बहुत डेवलपमेंट मार्केट है, बहुत डेवलपमेंट प्रिंसिपल मार्केट है, बहुत पीसफुल मार्केट है, और हम चाहते हैं कि जो मार्केट है और डेवलप होने से भी अच्छा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि जो कभी सपने देख रहे हैं या सोच रहे हैं? ये तो स्वर्ग है एक्चुअली, इंडिया का स्वर्ग लगता है हमको। तो दूसरी बार क्या सोच के आए हैं? घूमने के लिए कुछ छूट गया था। अच्छा, मतलब इतना पसंद आया आपको? अच्छा है लगा। तो क्या क्या घूम लिए यहाँ पर? तो अभी घूमे हैं यहाँ बाबा मंदिर, यहाँ का टोटल 10 पॉइंट से वो घूमे हैं, और कल वहाँ जाएंगे, क्या नाम है, युमथांग, युमथांग, युमथांग,
उसके बाद चारों धाम, चारों धाम लाचेन युंथान, मतलब जो जीरो पॉइंट वगैरह है जैसे हम लोग को बताया गया वहाँ पर। तो जैसे कि सिक्किम को बोलते हैं लैंड ऑफ मॉनेस्ट्री, शायद सुना होगा आपने, और जैसे फूलों का शहर युंथान को बोलते हैं, तो सब वैसा ही लग रहा है कि खाली कहीं कोई दोबारा आए हैं, इसलिए यहाँ पर दोबारा आए हैं कि यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग पहली बार आए हैं तो हम लोग को तो बहुत ही सुंदर लगा यहाँ आकर, और कल जाएंगे घूमने के लिए उधर। तो चारों धाम जो है बहुत सुंदर जगह है वहाँ पे, वहाँ पर फूल तो इतना अच्छा, मतलब ये है कि बहुत बार बार आने का मन करेगा वहाँ पे। ये खासियत ये भी है ना कि आप इंडिया में कहीं भी घूमिए, सिक्किम कैसे ये ट्रैफिक व्यवस्था और ये सफाई, यहाँ का ट्रैफिक बहुत सुंदर, बहुत रेगुलेशन यहाँ का बहुत ही ज्यादा, मतलब लोग बहुत फॉलो करते हैं, ये चीजें बहुत फॉलो करते हैं, सब कुछ जो भी ट्रैफिक है सब फॉलो करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक बंद है तो बंद है, बिल्कुल कोई दुकानदार नहीं देगा प्लास्टिक का, कागज भी बंद है, बिल्कुल बंद है। यहाँ तो देखे कि डस्टबिन जैसे है, आप वहीं जाके आपको गिराना है, अदरवाइज इधर उधर हुआ तो वो हाँ डर है मन में, नहीं इधर नहीं गिराना है। मतलब यहाँ के वातावरण को देखे आप लोगों भी सजग हो जाते हैं कि नहीं हमें भी नहीं गंदा करना चाहिए, जैसे बाहर में, और जहाँ जो फैक्ट है कि बाहर में बहुत जगह ऐसा है कि सफाई के लिए उतना नहीं है, लेकिन यहाँ देखें नहीं नहीं गिराना तो नहीं गिराना है। सीखने का मौका भी मिलता है कि यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा फॉलो करना चाहिए। गाड़ी में भी है कि हम ओवरटेक कर, सब कुछ संभव है, खुद से एक्टिव नहीं होगा कुछ भी संभव नहीं है, सरकार क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, आप खुद से एक्टिव होगा। ओवरटेक हम लोग कर लेते हैं लेकिन यहाँ ओवरटेक होता नहीं है, एकदम रूल बाई चलता है। तो यहाँ और लोग जो आना चाहेंगे उनको सिक्किम के बारे में क्या बताना चाहेंगे, बताएंगे कि यहाँ बार बार आए घूमें यहाँ पर आकर के। सिक्किम में जो जो प्लेस घूमने लायक है सब घूमिए, एक बार तो होता नहीं है, दो बार तीन बार, जितनी बार बोले उतनी बार सिक्किम आने के लिए आप तैयार हैं, आँख बंद करके आ सकते हैं, एकदम घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। अपोलो क्लिनिक एक्सपर्टीज क्लोजर टू यू। Apollo Clinic, now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco Moor, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri, mobile number 8900293111. अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811।